ओल्ड वुमनिया, तू मेरे साथ खेलेगी डांडिया? अवश्य खेलूंगी और अपनी उंगलियों पर तुम्हें नचाऊंगा। नचा तो मैं रही हूँ तेरी दोनों मुट्ठियों को। एक तकिया निकाला और फिर दोनों को झाड़ू से धो डाला। इसका भी उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा गौरा। मुंह काला नहीं लाल करूंगी जब जब सुताई करूंगी तेरे। समझ में नहीं आ रहा है कि मीरा को मैं कैसे समझूं। वो जिद में और गुस्से में आकर एक मौका नहीं छोड़ती है हमारे दिल दुखाने का। आज देखा ना, वो उस गौरा और धर्म की बात सुन रही थी, पर ना ही वो मेरी बात सुनना चाहती है और ना ही समझने की कोशिश करती है। आप ही बताइए ना काकी जी, क्यों वो मुझसे इतनी नफरत करती। माँ, आप रो क्यों रही हैं? माँ क्या हुआ? ओ, मीरा ने जो कहा बस। तीखा नेचर तो आप जानती हैं ना माँ, आपको याद है माँ दी बचपन में कितनी शांत थी। तो बस ऐसा सोच लीजिए कि दी ने बचपन में जो नहीं किया वो सब वो आज कर रही है। आदित्या माँ, दी जो करना चाहती हैं उन्हें करने दीजिए, वक्त के साथ साथ वो खुद समझ जाएंगी कि सही क्या है और गलत क्या है। ट्रस्ट मी। वाकई में मारी दीकरी बहु मोटी थी गई है, है ना? इसी बहाने तुम्हारा रोना तो बंद हुआ, वरना मेरा साड़ी का पल्लू ही पूरा गीला हो जाता। क्या काकी जी, कितनी खुशखुशहाल फैमिली लग रही है। कितना प्यार, कितना दुलार है विद्या के लिए। मुझे तो लगता है तुझे अनाथ आश्रम से उठा के लाए। इसको इतनी इम्पोर्टेंस इसीलिए मिलती है क्योंकि हमेशा से उसे महान और समझदार बनने की आदत सी है। बिल्कुल माँ पे मेरा मतलब है उस टोपी मोदी पर कर। मानना पड़ेगा तेरी इस टोपी मोदी को, एकदम शातिर खिलाड़ी है। तुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुझे उसके सामने भिड़ा दिया। मतलब ये माँ माँ होती है और बेटी बेटी होती है, उसके सामने जीतना तेरे बस की बात नहीं है। देखो हमारी बहू के मायके वाले इतने बेशरम, तेरा अपमान करके उछल उछल के हंस रहे। वो लोग वहां खुशियां मना रहे और यहाँ
हम लोग हाथ में डांडिया लेके सर पीटते हैं। छोड़ जवाने, जेवा तारा नसीब बेटा, मैं जाती हूँ किसी और से डांडिया पीटने। आजे तो मजा आ गई। गोपी मोदी ने क्या सबक सिखाया है अपनी बेटी को? अपने से दुगने उम्र के आदमी से शादी की, माँ बाप तो बेचारे जीते जी मर जाएंगे। शायद किसी का गुस्सा निकाला होगा बेचारी ने। बस बहुत हो गया। आज मैं इस गोपी मोदी और उसके परिवार को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि पूरी जिंदगी क्या क्या माँ जी कहाँ है? कहीं दिखी नहीं रही है। वो तेरे अहम जी को समझाने गई है। और तुझे तो पता है कि अहम को समझाना मतलब पत्थर पर माथा फोड़ना है। What? आप मेरे अहम भाई के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए, समझिए आप? मैं तो भूल ही गई, जब मेरे सामने इतनी उल्टी सीधी दुकान खड़ी है पर मैं अहम की बुराई करूं, ये तो बड़ा अन्याय होगा ना। मैं तेरी बुराई करती। अच्छा पता कहाँ से शुरुआत करूँ? अगर आप सबको एतराज ना हो तो आप लोग भी चलिए ना डांडिया खेलने। मेरा मन नहीं है शाबाज। से अगर किसी और को जाना हो तो वो हमारे परिवार में किसी को डांडिया खेलना पसंद नहीं है। मालूम है उसने मुझे क्या बोला? अगर माइकल जैक्सन गरबा खेल रहा होता ना तो मेरे जैसा ही खेलता। अरे उधर तो लोग मेरे पास गरबा और डंडिया सीखने को तैयार थे। तू बात करो जो धर्म भाई। मैं साचू बोलू छू। ओ गॉड, कितने टैकी है ये। सुनिए जी, बहुत तारी। सुनिए जी, कोई नया ड्रामा करवा रही है क्या बा? जरा इधर आएंगे प्लीज। मिस इंडिया, ये मेरी आज्ञाकारी अर्धांगिनी बनने का नाटक बंद कर और जो बोला है ना फटाफट बोल दे। अरे हमने शादी की है। शादी? तूने भांग तो नहीं पी रखी है? अभी कुछ देर पहले तो काटने दौड़ रही थी। पर ये आज्ञाकारी सुनिए जी वाली पत्री बनने का नाटक मत कर मेरी माँ। चुपचाप खड़े रहिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। तू आप करे, तू सच में ऐसा करना चाहती है? हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही करना चाहती। आपके सामने पेश होने जा रहा है आज की शाम का स्पेशल परफॉर्मेंस। तो मेरा की आवाज लग रही है? ये सुरीली आवाज तो मेरी तीखी छुरी की है। वो जरूर अपने प्यारे मैके वालों को कोई बड़ा सा तोहफा देने वाली है, या तोहफे के रूप में शौक भी हो सकता है। हमें आवश्य मजा। हे कृष्ण भगवान, अब ये मीरा कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। हाँ, कितनी खूबसूरत जोड़ी लग रही है दोनों की।
कितनी हिम्मत। पापा कुछ करने के लिए कहूं क्या बिना कोई सवाल किए आप मेरा साथ देंगे आज? ये क्या बदतमीजी है? लीव मी। बहुत नाच लिया दी, अब हमारी बारी। What the hell? What the hell? डर क्यों गई? आप कौन सा चक्रव्यूह रचने की प्रक्रिया में है? अब देखो ना, तुम्हारा ये चक्रव्यूह तो मेरी विद्या और श्रवण कुमार ने तोड़ दिया। अब क्या करोगी? मैं क्यों चक्रव्यूह रचूंगी? मैं तो सिर्फ दाने डालती हूँ, बाद में मुर्गियां अपने आप आपस में लड़ पड़ती हैं। अभी भी देख, मेरा धर्म तो अपने नाम की तरह एकदम धर्मिष्ठ और संस्कारी है, लेकिन मेनका और रंभा बनके तेरी पोती ने मेरे धर्म को भ्रष्ट करने की शुरुआत कर दी। क्रोध आ रहा है ना? तू अब कर क्या सकती है? बूढ़ी हो गई है अभी तो। तुम्हारी और मेरी उम्र एक जैसी ही है, पर तुम अपनी लड़ाई अकेले लड़ रही हो। और मुझे देखो, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, और तू बेचारी बूढ़ी कलाकार अकेली। साथ है तो किसका? एक कमजोर बेटे का। माना कि मेरी पोती मीरा राह भटक गई है, लेकिन विद्या को देख से देखकर ही लगता है कि वो अकेली तुझे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पर्याप्त है। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।